Good morning students. In last lecture we had learned up to activity number 5. Now let's learn the activity number 7. Read the following poem. Up into the banyan tree, who should climb but little me? I held the trunk with both my hands and looked around all nearby lands. Poet bol raha hai कि जो बनियन ट्री है उसमें मैं थोड़ा सा चढ़ सकता हूँ, बट ऊपर तक कौन जा सकता है? और मैं बनियन ट्री के ऊपर चढ़ के उसकी ट्रंक को अपने दोनों हाथों से पकड़ के आजू बाजू के जो लैंड्स है उसको देखूँगा. नेक्स्ट, आई सो द नेक्स्ट डोर गार्डन लाई फुल ऑफ फ्लावर्स बिफोर माई आई. ट्री के बाजू में जो गार्डन है वो जो फ्लावर्स से भरा हुआ है वो मेरी आंखों के सामने है. एंड मैनी प्लीजेंट फेसेस मोर दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर. और बहुत सारे ऐसे हैप्पी फेसेस है जिसको मैंने कभी नहीं देखा हो, उसको भी मैंने देखा. आई सो द डिम्पलिंग रिवर पास एंड बी द स्काइज ब्लू लुकिंग ग्लास. जो ये रिवर पास हो रही है वो ब्लू स्काई का मिरर बन रही है. द डस्ट रोड्स गो अप एंड डाउन विद पीपल ट्रम्पिंग इन टू टाउन. इफ आई कुड फाइंड अ हायर ट्री फर्दर एंड फर्दर आई शुड सी टू वेयर द ग्रोन अप रिवर सिप्स इन टू द सी अमॉन्ग द सिप्स. अगर मैं ट्री के सबसे ऊपर के पार्ट पे चढ़ सकता तो मैं देखना चाहता था कि ये जो बड़ी सी रिवर है वो सी में कहाँ पे जाके मिलती है. टू वेयर द रोड्स ऑन इधर हैंड लीड ऑनवर्ड इन टू फेरी लैंड वेर ऑल द चिल्ड्रन डीन एट फाइव एंड ऑल द प्लेथिंग्स कम अलाइव. ये जो रोड है वो फेरी लैंड की तरफ जाता है और चिल्ड्रन है उसकी जो सब प्लेथिंग्स है वो लाइव हो जाती. Now let's read the poem again. Up into the banyan tree, who should climb but little me? I held the trunk with both my hands and looked around all nearby lands. I saw the next door garden lie full of flowers before my eye and many pleasant faces more that I had never seen before. I saw the dimpling river pass and be the sky's blue looking glass. The dust roads go up and down with people tramping into town. If I could find a higher tree, farther and farther I should see to where the grown up river slips into the sea among the sips. To where the roads on either hand lead onward into fairy land, where all the children deign at five and all the playthings come alive. Answer the following questions based on the poem in the space given below. What is the poem about? Poem kiske bare mein hai? This poem is about the poet's love for nature. पोएम किसके बारे में है? जो जिसने पोएम लिखी हुई है उसको क्या बोलते हैं? पोएट. उसका जो नेचर के साथ लगाव है उसके बारे में है. सेकेंड वन, लिस्ट द नेचुरल थिंग्स मेंशन इन द पोएम. पोएम में जो नेचुरल थिंग्स मेंशन की गई है उसका लिस्ट बनाना है. सो फर्स्ट वन इज, क्या था पोएम में? बनियन ट्री. फिर flowers, river, sky and sea. Next question, what does the poet mean by grown up river? Poet grown up river ke bare mein kya kehta tha? Grown up river means a big river. Grown up river means badi si river. Next, identify and mention the words that rhyme. वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. सो फर्स्ट वन था ट्री मी, सेकेंड वन हैंड्स लैंड्स, थर्ड लाई आई,
Fourth one, more before. Next, past class. Next, downtown. ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं. एक्टिविटी नंबर 8. कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस फॉर ईच वर्ड. यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं उसका यूज करके हमें एक सेंटेंस बनाना है. सो फर्स्ट वर्ड इज प्रोटेक्ट. सो आई हैव रॉट हियर, वी शुड प्रोटेक्ट ट्रीज. नेक्स्ट इज ब्यूटिफुल. देयर इज अ ब्यूटिफुल गार्डन इन माई हाउस. थर्ड वन मजेस्टिक. शिप्स सेल इन द मजेस्टिक सी. नेक्स्ट माइटी. द एलिफेंट इज अ माइटी एनिमल. नेक्स्ट पॉरिंग. इट इज पॉरिंग सो टेक एन अम्ब्रेला विथ यू. ये एक्टिविटी नंबर 8 भी आपको होमवर्क में करनी है. डिड यू नो द चिपको मूवमेंट और चिपको आंदोलन टुक प्लेस टू प्रोटेक्ट ट्रीज. चिपको मूवमेंट है वो ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था. पीपल हग्ड ट्रीज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट. ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए पीपल ट्रीज को हग करके खड़े रहे उसको कट होने से बचाने के लिए. द इवेंट टुक प्लेस ऑन March 26, 1974. ये चिपको मूवमेंट था वो कब हुआ था? 26 March 1974 में. नाउ सी द एक्टिविटी नंबर 9. लुक एट द पिक्चर एंड फिल अप द टेबल बाय यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स. सो हियर गिवन 3 कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम इज साइज, स्मॉल और मीडियम. कलर रेड येलो व्हाइट ऑरेंज. फ्रेग्रेंस प्लीजेंट स्ट्रॉन्ग और माइल्ड. सी ये कौन सा फ्लावर है? रोज. क्या है ये? रोज. तो रोज की साइज क्या होती है? मीडियम और स्मॉल दोनों होती है. कलर क्या होता है? रेड. और उसकी स्मेल कैसी होती है? प्लीजेंट. सेकेंड वन इज क्या है ये? लोटस. सो लोटस कैसा होता है? मीडियम साइज का. कलर व्हाइट. और उसकी स्मेल कैसी होती है? माइल्ड. नेक्स्ट वन इज मैरीगोल्ड. उसकी साइज कैसी होती है? मीडियम. कौन कौन से कलर का होता है वो? ऑरेंज और येलो. और उसकी स्मेल कैसी होती है? प्लीजेंट. नेक्स्ट इज क्या है ये? चमेली. साइज कैसी होती है उसकी? स्मॉल साइज के होते हैं वो. कलर येलो. और फ्रेग्रेंस मतलब उसकी स्मेल? प्लीजेंट. सी द एक्टिविटी नंबर 10 क्रॉसवर्ड. फाइंड द वर्ड्स दैट डिपिक्ट थिंग्स अराउंड अस. बॉक्स में से हमें वर्ड्स ढूंढने हैं जो हमारे आसपास हो और वो वर्ड्स पे यहाँ पे रेक्टेंगल करना है और वो वर्ड यहाँ पे लिखना है. सो फर्स्ट वर्ड इज एयर. AIR. सो राइट हियर एयर एंड डू द रेक्टेंगल हियर. सेकेंड वन इज बर्ड. BIRD. सो राइट हियर बर्ड एंड डू द रेक्टेंगल हियर. थर्ड वन इज बैट. BAT. फोर्थ वन टाउन. TOWN. टाउन. नेक्स्ट इज पेट. PET. पेट. नेक्स्ट इज ट्री. TREE. ट्री. नेक्स्ट रेन. RAIN. रेन. नेक्स्ट इज लेग. LEG. लेग. नेक्स्ट इज क्रो. CROW. एंड द लास्ट वन इज टाइगर. TIGER. टाइगर. ये भी आपको होमवर्क में करना है. एक्टिविटी नंबर 10 कंप्लीट करनी है टेक्स्ट बुक में. नाउ टुडेज होमवर्क यू हैव टू डू इन द वर्कबुक ऑल्सो.
In last lecture, we have done up to here. Now, see the next paragraph, fourth one. Most toxic waste come from man-made things like mobile sources, cars, trucks, buses, stationary sources like factories, refineries, power plants, as well as indoor sources, building material and chemicals used for cleaning. Now, see the questions. First one, write true or false. First one, most toxic waste comes from natural sources. True or false? False. Cars and factories cause pollution. Cars or factories se pollution hota hai. True or false? True. Second one, fill in the blank. Most toxic waste comes from blank things. ज़्यादातर toxic waste कहाँ से आता है? Man-made things से. Next, fifth paragraph. The amount of pollution is increasing day by day, and this has led to the depletion of the resources on the earth. In other words, we can say that the health of the earth and its life forms does not appear to be too good. Let's see the questions. First one, write true or false. First, the amount of pollution is increasing. Pollution badhta ja raha hai. True or false? True. So write here, true. The health of the earth is good. Earth ki health good hai. Yes or no? No. So, yahan pe aayega false. Second question is, write the correct option A, B, C or D in the box given. The amount of blank is increasing day by day. Kya hai jo day by day badhta ja raha hai? Options are fresh air, pollution, food, your water, pollution. So write here B and write here pollution. Sixth paragraph is, the Earth Day is celebrated on 22nd April. It was one of the first attempts to make people aware of the Earth's depleting environmental resources and increasing pollution levels. The first question is, write true or false. The Earth Day is celebrated on 12th April. True or false? Earth Day kaun se din pe celebrate kiya gaya tha? 22nd April ko. Yahan pe kya diya hai? 12th April. To ye kya hoga? False. So write here, false. Fill in the blank. The Earth's blank levels are increasing. Earth ka kaun sa level badhta ja raha hai? Pollution ka. So write here, pollution. Third one, write the correct option A, B, C or D in the box given. The blank is celebrated on 22nd April. 22nd April ko kya celebrate kiya jata hai? World Day, Trees Day, Environment Day ya Earth Day? Kaun sa day celebrate kiya jata hai? Earth Day. So write here Earth Day and write here D. Seventh paragraph. The celebration of Earth Day in 1992 was made memorable by an international conference held in Brazil. The leaders of many countries attended this event, and it led to a new movement to preserve the Earth resources in both big and small ways. Give the meaning of the following word. To preserve. So answer kya aayega? To save. Next paragraph. People across the world take up a number of activities like tree plantation, awareness camps on environmental related topics,
pollution reduction camps, and many more. So we can say that the World Earth Day is a time for people around the globe to support the environmental protection movement. Question is, name any two activities done on World Earth Day. World Earth Day के दिन पे जो activities की गई थी उसमें से दो activities के names यहाँ पे लिखने हैं. So first one, tree plantation, and second one, pollution reduction camps. Next paragraph. The Chipko movement or the Chipko Andolan took place to protect trees. People hugged trees in order to protect them from being cut. The event took place on March 26, 1974. The question is, write true or false. The Chipko Andolan was to protect water. Chipko Andolan water ko protect karne ke liye kiya gaya tha. True or false? False. Chipko Andolan kiske liye tha? Trees ko protect karne ke liye. So write here false. Next, write the correct option A, B, C or D in the box given. The Chipko movement was to protect blank. Options are the earth, trees, water, air. Kya aayega? Trees. So write here trees and write here B. Now see the next. Read the lines of the poem and answer the questions. Poem ki lines ko read karna hai aur niche diye gaye questions ke answer dene hai. So first is, up into the banyan tree, who should climb but little me? I held the trunk with both my hands and looked around all nearby lands. So the first question is, where did the poet look from the banyan tree? Banyan tree ke upar se poet kya dekh raha tha? So the answer is, the poet looked at all the nearby places. Second one, which tree did the poet climb? The poet climbed the banyan tree. Next is, write the rhyming words. So yahan pe rhyming word kon kon se hai? Tree, me, hands, lands. So write here tree, me, hands, lands. Next, so the next door garden lie full of flowers before my eye, and many pleasant faces more that I had never seen before. The question is, what did the poet see in the garden? Garden mein poet ne kya dekha? The poet saw many flowers and children in the garden. Poet ne garden mein bahut sare flowers aur children ko dekha. Write the rhyming words. So rhyming words kon kon se hai? Lie, I, more, before. So write here lie, I, more, before. Third one, I saw the dimpling river pass and beat the sky's blue looking glass. The dust roads go up and down with people tramping into town. So the question is, what is the sky's mirror? The river is the sky's mirror. River kya hai? Sky ka mirror. Write the rhyming words. Rhyming words. Pass, glass, down, town. Pass, glass, down, town. Next one. If I could find a higher tree, further and further I should see, to where the grown-up river sleeps into the sea among the ships. The question is, what does the poet mean by grown-up river? Answer, grown-up river means a big river. Second question is, why did the poet want to find a higher tree? Answer is, he could see far away and find out where the big river meets the
see. Next is write the rhyming words. So rhyming words are tree, see, sleeps, sips. So write here tree, see, sleeps, sips. Next, to wear the rods on either hand, lead onward into fairyland, where all the children dine at five and all the playthings come alive. Question is, where do the roads lead into? So the answer is, the roads lead into fairyland. Second one, where do the children in fairyland dine? Answer is, the children in fairyland dine at 5. Write the rhyming words. Rhyming words are hand, land, 5, alive. So write here hand, land, 5, alive. So children, you have to complete question number 1 and question number 2 in your workbook.